hello good morning and Namaskar everyone this is Harish gangwar present in this online class I welcome you all in this online class and uh, on my youtube channel excellence English classes before starting this session this is my request to everyone please please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notifications every time when the new video is uploaded so let's proceed let's move forward and today I'm giving you the summary I will explain in hindi the summary of act 2 and scene 1 from the tempest by william shakespeare and act 1 i have already explained you can see you can see the links of previous scenes in the description box or you can click on the i button on the video and you can see the previous parts so let's move forward this is the summary of act 2 and scene 1 अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स इनक्लूडिंग अलॉन्जो एंटोनियो एंड सेविशियन आर टॉकिंग टू वन अनदर इन अनदर पार्ट ऑफ द आईलैंड आफ्टर हैविंग बीन सेफली ब्रॉड दे आर बाय एरियर स्प्रिट कंट्रोल्ड बाय प्रॉस्पैरो इस सीन में आप क्या देखेंगे जो प्रीवियस सीन था हमारा एक्ट टू जो एक्ट वन था हमारा कम्प्लीट उस पूरे टेम्पेस्ट के बारे में था कि टेम्पेस्ट में किस तरह से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं एंड जंप कर जाते हैं समुद्र में कूद जाते हैं और एरियल उनको सेफ़ली लैंड करा देता है बट नोबडी नोज हाउ द रीच द आईलैंड तो सेफली सब वहाँ पर लैंड हो जाते हैं किसी कॉर्नर में होते हैं वो पूरे आइलैंड के कॉर्नर में और वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं सभी चीज़ों के बारे में टेम्पस्ट के बारे में एंड फर्डिनेंड मिल नहीं रहा होता जो अलन्जो का बेटा फर्डिनेंड है वो वहाँ नहीं होता है गायब होता है क्योंकि वो किसी दूसरे कोने पर होता है एरियल ने उसे किसी दूसरे कोने पर छोड़ा होता है तो एरियल क्या पावर देख सकते हैं कि उसने टेम्प को रेस किया एंड ही सेफली लैंडेड ऑल द कॉन्सपरेटर्स ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द शिप सभी को सेफली उसने जमीन पर लैंड करा दिया अलोंजो सन फर्डिनेंड हैज लिफ्ट इन टू द सी इन द स्टोम एंड थॉट टू बी ड्रॉन्ड अलोंजो का बेटा फर्डिनेंड यानी वो समुद्र में हाथ पैर पटकता हुआ चला गया तैरते हुए और लोगों ने सोचा कि वो डूब गया बट वो दूसरे कोने पर था के अब गोंजालो कंडीशन को लाइट करने की कोशिश करता है गोंजालो वन ऑफ द कोर्टियर्स ट्राइज टू कंसोल अलोंजो, द किंग ऑफ नेपल्स हु इज सैड बाय द सपोज डेथ ऑफ विद सन फॉर अलौजो बिल्कुल दुखी है क्योंकि उसका बेटा मिल नहीं रहा है वो डूब गया है लोगों ने यही समझ लिया कि वो मर चुका है और इसलिए बहुत दुखी है और अलोंजो उसको खुश करने की उसको कंसोल करने की कोशिश करता है बट ओलों डिज़ायर्स टू बी लेफ्ट अलोन बट अलोंजो चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए वो इतना दुखी है वो किसी से बात नहीं करना चाहता सेवेशन एंड एंटोनियो ट्राई टू लेसन अलोन्जो सैडनेस बाय रेडिकुलिंग गोंजालो उधर सेबेशियन एंड जो एंटोनियो हैं दोनों लोग मिलकर गोंजालो का मज़ाक उड़ाते हैं उसकी बातों पर एंड गोंजालो भी इसी तरह की बातें करता है फ़नी सिचुएशंस क्रिएट करता है जिससे एक मज़ाक का माहौल वहां पर हो और राजा को हंसी आए बट राजा पे कोई असर नहीं पड़ता सेबेशियन रिमार्क्स दैट इट इज़ द किंग्स फॉल्ट फॉर मैरिंग ऑफ हिज डॉटर टू द किंग ऑफ ट्योनिश अब देखिए अलोंजो बहुत ज़्यादा दुखी है अपने बेटे की मौत से लेकिन सेबेशियन इस टाइम में भी राजा का फॉल्ट ढूंढ लेता है कहता है कि ये सब कुछ इसी लिए हुआ कि तुम अपनी बेटी क्लैरिबल की शादी ट्यूनिश में करने के लिए गए क्लेरिबल अलोंजो की डॉटर का नाम है जिसे वो अफ्रीका में अफ्रीका में जो ट्यूनिश है वहाँ पर उसके किंग से शादी करने के लिए ले गए थे एंड वापस लौटते हुए टाइम हुआ था यानी ये पूरा माहौल क्रिएट हुआ था उसके द्वारा एरियल के द्वारा तो सेवशिन क्या कहता है ये सब तुम्हारी गलती है ना अपनी लड़की की शादी करने वहाँ जाते और ना ऐसा होता हैड ही नॉट डन सो देअर वुड हैव बीन नो नीड टू अंडरटेक सच अ लॉन्ग जर्नी तो क्या कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते शादी वहाँ नहीं करते तो हमको इतनी लंग एक लॉन्ग जर्नी पर नहीं जाना पड़ता बट गोंजालो को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता डज नॉट रिलिश यानी डज नॉट लाइक द आइडिया ऑफ कि सेबेशियन इतने गम के माहौल में अलोंजो दुखी था फिर भी उसको ताना मार रहा था कि तुमने यात्रा की इसलिए सब कुछ ऐसा हुआ गंजालू डज नॉट रिलिश सेवैशिय रिमार्क्स एंड सो क्रिटिसाइज हिम फॉर टू सिचुएशन यानी उसको क्रिटिसाइज करता है उससे कहता है सिविशियन यानी इतना सब कुछ एक क्रिटिकल सिचुएशन है और तुम इस माहौल में इंसेंसिटिव हो रहे हो मतलब तुम्हारे अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं है राजा दुखी है और तुम उसको और परेशान कर रहे हो और शो नो इंटरेस्ट इन दिया कन्वर्सेशन बट गलो पासज ऑन बाई दैट इफ़ ही वर द रूलर ऑफ द आईलैंड ही वुड नॉट अलाउ मनी कॉमर्स लर्निंग लॉज सर्वेंट्स मास्टर्स फार्मिंग वर्क टेक्नोलॉजी और वेपन्स टू इंट्रूड इन टू द आयलैंड अब वहाँ पर वो बात ख़त्म हो जाती है गुंजालू कहता है शेवश से कि तुम इस टाइम पर यह बात नहीं करना चाहिए कि राजा की वजह से सब कुछ हुआ बट अल्जो पर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी की बातों में चाहे उसे कोई भला कहे या बुरा कहे उसे समझाने की कोशिश करे तो गुंजालू थोड़ा आगे बढ़ जाता है और वो फ़नी और ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है और क्या बोलता है इफ़ ही वर द रूलर ऑफ़ द आईलैंड कहता है कि अगर मैं इस आईलैंड पर राजा होता तो मैं क्या क्या करता तो क्या कहता है ना तो यहाँ पर पैसा होता ना ही कॉमर्स बिजनेस वगैरह होता लर्निंग एजुकेशन लॉ कानून नौकर चाकर मालिक खेती किसी तरह का काम टेक्नोलॉजी वेपन्स कुछ भी नहीं होता यानी ये मेरे आइलैंड में इनमें से कोई भी चीज़ इंट्रूड नहीं करती मतलब मेरे आइलैंड में मेरे किंगडम में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो किस तरह का किंगडम तो ये किंगडम ही कहाँ है कुछ भी नहीं है और इसी वजह से सेबेशियन एंड एंटोनियो उसका मजाक बनाते हैं बट गोंजालो अपना मजाक बनवाता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से तो हंसे सेवैशियन एंड एंटोनियो मेक फन ऑफिज ट्रेंच विजन यानी दोनों मजाक उड़ाते हैं एरियल एंटर्स अ सीन एंड मेक्स एवरी वन एक्सेप्ट दीज टू स्लिप अब उसी टाइम पर एरियल आ जाता है सीन में और सभी को सलाह देता है सिर्फ दो लोग जागते रहते हैं दो लोग कौन जागते रहते हैं एंटोनियो एंड सेवाशियन अब उसके बाद उसका एक खतरनाक प्लान चालू होता है एंटोनी प्रोवोक्स सेवैशियन टू केल हिज ब्रदर द किंग ऑफ नेपल्स एंड सी इज़ हिज किंगडम जिस तरह से एंटोनियो ने अपने भाई प्रॉस्पेरों से किंगडम को छीना उसी तरह वो सेवैशियन के माइंड में ये सारी आइडियाज डालता है कि वो नेपल्स का राजा बन सकता है अगर वो अलंजो को मार दे और उसका किंगडम इसका हो जाएगा सेवैशियन एंटरटेन हिज दिस आइडिया बिकॉज ही थिंक्स डैट एज फर्डेन एंड इज ड्रोन एंड ओलोंजोज डॉटर इज़ मैरीड ऑफ टू अ डिस्टेंट प्लेस ही कुड ईजली बिकम द किंग तो ये आइडिया सेवाशियन को अच्छा लगता है क्योंकि वो सोचता है कि फर्ड एंड तो मर गया और अलोन्जो की बेटी है वो बहुत दूर उसकी शादी हुई है इसलिए अब कोई राजा नहीं बचा अलोन्जो के बाद मैं ही राजा बन जाऊँगा बट इसके बीच में बहुत सारे रीजन्स भी देता है सेवाशियन वो कहता है कि क्लेरिबल लॉर्डगर भी आ सकती है या कभी भी और हो सकता है कि फटनैंड जिंदा भी हो बट एंटोनियो उसकी बातों को चलने नहीं देता है रिमेंबर्स दैट एंटोनियो टू ओवर थ्रू हिज ब्रदर एंड आस्क हिम इफ हिज कंसाइंस प्रिक्स हिम अब वो भी याद करता है सेबेशिन को भी याद है कि एंटोनियो ने भी अपने भाई को आइलैंड से निकाल के फेंक दिया और अब उससे ये पूछता है कि तुम्हारी जो कंसाइंस है वो कभी तुम्हें प्रिक करती है मतलब तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी कोसती है नहीं कोसती है तुम्हारी अंतरात्मा कभी परेशान करती है नहीं करती है कि तुमने अपने भाई को आइलैंड से बाहर निकाल दिया तो एंटोनियो क्या बोलता है एंटोनियो आंसर सिम डैट इज़ कंसाइंस नावा बोधर सिम कहता कि नहीं मेरे अंदर तो कंसाइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मुझे कोई परेशानी नहीं होती किसी चीज़ से दे एगरी टू एग्जीक्यूट दे प्लान अब वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं द डिसाइड टू टेक आउट दिया सोर्ट्स एंड किल अलोंजो एंड गोंजालो तो वो दोनों लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं अलोंजो और गोंजालो को मारने के लिए उनका प्लान था सिर्फ़ अलोंजो को मारने का बट उन्होंने साथ में गोंजालो को भी लपेट लिया क्यों क्योंकि गोंजालो कुछ गड़बड़ कर सकता था बाद में जाकर बता सकता था कि एंटोनियो और सेबेशियन ने राजा को मार दिया इन द मीन वाइल एरियल अवेकेंस गोंजालो हु राउजर्स अदर्स विद अ शाउट और उसी टाइम पर जैसे ही वो लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं एकदम रेडी और तभी एरियल आ जाता है गोंजालो को जगा देता है गोंजालो सभी लोगों को जगा देता है फिर बाद में ऑल अप एंड सी द टू सेबाशियन एंड एंटोनियो स्टैंडिंग विद दियर शोर्ट्स आउट और जब सभी लोग जागते हैं तो क्या देखते हैं कि एंटोनियो और सेबेशियन दोनों लोग अपनी तलवार लेकर खड़े हुए हैं बाहर तलवारें उनकी निकली हुई हैं और खड़े हुए हैं तो सभी चौंक जाते हैं तो होता क्या है सेब गिव्स अ लेम एक्सक्यूज बाय सेंग दैट अ रोड इन द डिस्टेंस मेड देम टेक आउट दियर शोर्ट्स तो सेवेशियन एंड एंटोनियो दोनों बारी बारी से बहाना बनाते हैं अरे हमने जानवरों की आवाज़ें सुनी थी शायद और शेरों के या फिर भेड़ियों के भालुओं के चीखने की आवाज़ें थीं तो हमें लगा कि कहीं आपको डेंजर ना हो खतरा ना हो इसलिए हम तलवारें लेकर खड़े हो गए आपकी सुरक्षा के लिए तो उनकी बात यहाँ से चल जाती है द रोल ऑफ द एनिमल एट द डिस्टेंट प्लेस द कोर्टियर्स एंड फोर्सेज डैम टू मूव अवे फ्राम दैट स्पॉट टू अदर पार्ट ऑफ द आईलैंड इन सर्च ऑफ अलोंजो सन फर्डीनैंड और उसी टाइम पर उन लोगों को वहाँ पर जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है तो सब कहते हैं कि चलो यहाँ से भागो या अजीत तरह का आइलैंड है तरह तरह के यहाँ जानवर हैं और वो जाकर फर्डीनेैंड की तलाश करने लगते हैं तो ये है एक्ट टू एंड सीन वन जिसमें आपने देखा कि कैसे कैसे सीन आगे बढ़ रहा है एंड एरियल का कितना बड़ा रोल है सभी कैरेक्टर्स के लिए आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी प्रीवियस सीन्स एंड प्रीवियस एक्सप्लेस हैं उनको आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आई बटन पे देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल हैव वंडरफुल डे